में बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां पर हल्द्वानी में खनन वाहनों की सरेंडर की अवधि खत्म हो चुकी है और मंगलवार से सभी वाहनों को टैक्स देना होगा वरना जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। सरेंडर अवधि नहीं बढ़ने का असर करीब 10,000 वाहन स्वामियों पर पड़ेगा। आरटीओ हल्द्वानी के अनुसार उनके कार्यक्षेत्र में करीब 10,000 खनन वाहन पंजीकृत है। परिवहन मंत्री चंदन राम दास की ओर से परिवहन सचिव को खनन वाहनों की सरेंडर अवधि बढ़ाए जाने को लेकर भेजे गए पत्र का कोई भी असर नहीं हुआ है। सोमवार को वाहनों की सरेंडर की अवधि खत्म हो चुकी है और अब वाहन स्वामियों को टैक्स भरना ही होगा। बीते 17 अक्टूबर को लालकुआ विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट के कहने पर परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने परिवहन सचिव को पत्र लिखकर खनन वाहनों की सरेंडर अवधि 2 महीने आगे बढ़ाने की बात कही थी। इसके बाद माना जा रहा था कि वाहनों की सरेंडर अवधि बढ़ा दी जाएगी, लेकिन वाहनों की सरेंडर अवधि नहीं बढ़ाई गई है और 1 नवंबर से यानी कि आज से वाहन रिलीज माने जाएंगे। इस वजह से 1 नवंबर से वाहन स्वामियों को टैक्स देना होगा। अगर समय पर टैक्स नहीं दिया गया तो जुर्माना भी भरना पड़ेगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे खनन की गाड़ियां जो लगी हुई हैं गौला में, जो हमारे खनन के कारोबार में से जुड़ी गाड़ियां हैं, उनका समय जो है अक्टूबर तक वो गाड़ियां सरेंडर थी और उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कि इस सरेंडर अवधि को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए क्योंकि अभी उनके द्वारा कारोबार में मतलब नहीं स्टार्ट किया जा रहा है और माननीय मंत्री जी द्वारा शासन को उसमें कार्रवाई के लिए लिख दिया गया है। जैसे ही वहाँ से कोई हमारे पास रिटर्न आदेश आता है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।